नमस्कार दोस्तों आप सभी का वेलकम है पीएस क्लासेस में जैसा कि आप जानते हैं सबसे विश्वसनीय और प्रमाणी सूचना लेकर के पीएस क्लासेस प्रयागराज से प्रेजेंट होता है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं परीक्षा तिथि घोषित होगी नए अध्यक्ष के बाद यूपी टीजी टीपीजीटी एग्जाम डेट तिथि और सीट वृद्धि के साथ साथ चयन बोर्ड से क्या अपडेट निकल करके आ रही है यूपी एग्जाम कब होगा नए शिक्षा आयोग का गठन कब होगा तो दोस्तों इन सभी पर बात करने के लिए पीएस क्लासेस प्रयागराज से प्रेजेंट हो गया है तो दोस्तों अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा राइट साइड में बेलाइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके क्योंकि सबसे विश्वसनीय सबसे प्रमाणिक सूचना एस क्लासेस सबसे पहले आप तक पहुंचाता है चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले हम यहां पर देख सकते हैं अध्यक्ष पर निर्णय के बाद घोषित होगी परीक्षा की तिथि फरवरी के पहले सप्ताह में यूपीएचएससी के अध्यक्ष दो सदस्यों का पूरा हो जाएगा कार्यकाल दोस्तों अगर हम टी जी, -टी -जी -टी की बात करें या यूपीएच के अध्यक्ष की बात करें तो दोनों के अध्यक्ष रिटायर हो रहे हैं ऐसे में अगर देखा जाए तो कवायद ये लगाई जा रही है कि अगर शासन चाहे तो दोनों की परीक्षाएं करा सकता है नए अध्यक्ष नियुक्त करके तो इसमें आइए हम डिटेल में बात करते हैं उत्तर प्रदेश उत्तर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा और दो अन्य सदस्यों का कार्यकाल फरवरी के पहले सप्ताह में पूरा हो जाएगा इसके बाद आयोग में केवल दो सदस्य रह जाएंगे आयोग ने अब तक असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की है माना जा रहा है कि अब नए अध्यक्ष पर निर्णय करेगा अब नया अध्यक्ष पर करेगा आयोग परीक्षा तिथि की घोषित करेगा आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वर अध्यक्षरण विश्वकर्मा का कार्यकाल छह फरवरी को पूरा हो जाएगा और इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें तो यूपी के जो अध्यक्ष हैं उनका भी कार्यकाल आठ अप्रैल को समाप्त हो रहा है तो ऐसे में दोस्तों रास्ता ये निकलता हुआ दिखाई दे रहा है कि आपकी जो यूपी पीजीटी का एग्जाम है और इसी के साथ साथ अगर दोस्तों हम बात करें तो उत्तर उत्तर प्रदेश उत्तर शिक्षा सेवा आयोग यू पी के अध्यक्ष की जो रिटायरमेंट है इसको देखते हुए जो कवायद निकल करके आ रही है कि आपकी जो परीक्षाएं हैं वो पुराने आयोग से ही कराई जा सकती हैं क्योंकि जो नया आयोग है अब इससे बनने में समय लगेगा और अगर सरकार चाहती है तो आपकी परीक्षा इसी आयोग से हो जाएगी नए अध्यक्ष को नियुक्त करके तो आप सभी अपनी तैयारी में लगे रहें जैसा भी होगा जो भी होगा सूचनाएँ पी क्लासेस लेकर के लगातार आपके समक्ष प्रस्तुत होता रहेगा और इसी के साथ आप देख सकते हैं एक हज़ार सत्रह असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती भी लटकेगी दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या इक्यावन के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के एक पदों पर भर्ती के जल्द पूरी होने के आसार नहीं है तो सब मिला करके सारी भर्तियाँ लटकी हुई हैं अगर यहाँ पर सरकार चाहे तो अध्यक्ष को नियुक्त करके और जब तक नया जो है आयोग आपका बन रहा है उससे पहले इन भर्तियों को पूरा करा सकती है तो दोस्तों आप सभी अपनी तैयारी में लगे रहें क्योंकि ये तो सरकार के ऊपर है जब चाहेगी तब अध्यक्ष नियुक्त करके और कमेटी बना करके आपकी परीक्षाएं करा सकता है तो दोस्तों आप अपनी तैयारी में लगे रहें सबसे विश्वसनीय और प्रमाणित सूचना पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक शेयर करें लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो